वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सोनिया। आपका नाम? नाम बोलो। क्या नाम? अबरीश। आपका नाम? पहलू। कौन सी क्लास में हो? आप कौन सी क्लास में? नर्सरी में। ओके, इसको क्या हुआ, बोल नहीं रही। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। ओके जी, आज मॉल में कैसे आना हुआ? फॉर शॉपिंग। क्या खरीदा? सूट। किसके लिए? अपने लिए। किस कलर का? एक वाइट और एक ब्लैक। ताज़ी है। ओके जी, चलिए जी, मैं सवाल करती हूँ, ठीक है? ओके, मुझे बताएं हमारे जिस्म में सबसे छोटी हड्डी जिस्म के किस हिस्से में होती है? इतनी सी होती है बिल्कुल। जिस्म नाक में, आई थिंक सो। नो, क्या सुनाएंगे? मैं आपको रेसिपी सुनाऊंगी। मैं नगेट्स की रेसिपी सुनाऊंगी जो कि बहुत इजी है। कीमा लेंगे, चिकन का कीमा लेंगे और उसको जो है वो मैरिनेट करने के लिए नमक डालेंगे उसमें हसबे ज़रूरत, और उसमें ब्लैक पेपर डालेंगे और उसको मैरिनेट करके रख देंगे। और उसको फ्राई करने के लिए आप कॉर्नफ्लेक्स लेंगे और उसमें जो है वो अंडे में उसको डिप करके नगेट्स को और उसको तल देंगे। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी। वेरी नाइस। आप क्या सुनाएंगे? सुनाओ बेटा, पोइम सुना दो। आपने क्या सुनाना? पोइम सुनाएगा। सुनाओ बेटा। वही ऊपर देखो, बहलोल माशाल्लाह, इसकी आंखें बड़ी प्यारी, किस पे गई हैं? इसके डैडी पे। डैडी पे गई हैं। आपने क्या सुनाना है? सुनाओ बेटा। ये आपके दोनों बच्चे बहुत खामोश हैं। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। बहुत प्यारे बच्चे थे बहलूल की, जो है वो आंखें बहुत प्यारी थी। वैसे भी जो बहलूल नाम के लोग होते हैं वो बेहतर होते हैं शक्ल सूरत में, और वो बच्चे की माशाल्लाह आईलैशेस भी इतनी लंबी थी कि उसको अपनी आई का बॉल का कलर दिखाने के लिए ऊपर देखना पड़ा। खूबसूरत आंखें हो ना आपकी, एक अच्छी आंख जो है वो चेहरे पर बहुत सारी चीज़ों को छुपा देती है। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा, और इस प्यारी सी बेबी का क्या नाम? आयत अली। आयत अली। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ बोलती है? नहीं, अभी नहीं बोलती। ओके जी, चले जी। आप इसकी मामा है? नहीं, मैं इसकी कजन हूँ, चाचू की बेटी। चाचू की बेटी। ओके जी, इसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? इसने कोई क्रीम पकड़ी है मम्मा की। मुँह में ना ले जाए, लेके जाती। चले जी, बच्चों से ऐसी चीजें दूर रखा करें। मुझे बताएं नाखून और बालों के अलावा इंसान के जिस्म के वो कौन से दो हिस्से हैं जो उसके मरने तक बढ़ते रहते हैं? सर से लेके कंधों यहाँ पे ही हैं। कंधों तक ही? नहीं पता, कोशिश करें। बस उसका हार्ट बीट करता रहता है मरने के बाद भी कुछ देर तक। अच्छा। हाँ जी, मैं कह रही हूँ बढ़ते रहते हैं उसके मरने तक, वो दो हिस्से बढ़ते रहते हैं। दांत? दांत बढ़ते हैं आपके? यहाँ तक आ जाएंगे दांत। पता नहीं, सॉरी। क्या शेयर करोगे? सूप की रेसिपी। सूप को ना पहले ना मतलब धो के ना उसको फिर बॉईल कर ले, उसमें से गोश्त निकाल के जो उसका जो पानी होता है उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करके, उसके बाद अंडे और चिकन कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और उसको फिर मिक्स करके फिर उबाले तो फिर चिकन भी इसमें डाल लेते हैं। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। ये वेलकम जी। बहुत प्यारी बच्ची थी माशाल्लाह, और अभी वो जो है अभी साल की भी नहीं हुई और माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, और उसने जो सूप की रेसिपी बताई है ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सिद्रा है। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। ओके जी, कैसे आना हुआ आज? मैं वैसे आई थी विजिट के लिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी इसलिए। क्या लिया? मैंने अपनी बेटी का एक सूट लिया है, और अभी मैंने घर की ग्रोसरी वगैरह थोड़ी सी करनी है। बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं। कोई शादीशुदा है? जी, दो बेटियाँ हैं शादीशुदा है, और तीन जो है वो अभी अनमैरिड है। ओके, और बेटा? बेटे दो हैं। वो शादीशुदा? नहीं। ओके जी, चलिए जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? हाँ जी, आसान सा कीजिएगा। आसान? चलिए मैं पूछ लेती हूँ। घर के बारे में कुछ पूछ लें। घर के बारे में पूछे हैं। चलिए मुझे बताएं वो क्या, वो कौन सी चीनी है जो दरख्त पे उगती है? चीनी दरख्त पे उगती है?
सामने आप देखें, दरख्त पे तो कोई नहीं है, गन्ना है जो चीनी दरख्त पे कौन सी चीनी हो सकती है? ये तो बड़ा मुश्किल है। सच्चा सच्चा वो कौन सी चीनी है जो दरख्त पे उगती है? आप हेल्प कर दो। वो हमारे खाने में इस्तेमाल होती है, हांडी में। हांडी में चीनी क्या शेयर करेंगे? क्या शेयर करेंगे? मैं कुछ भी आप बता दें। रेसिपी सॉन्ग क्या करेंगे आप? रेसिपी कोई कर लेती हूँ। ठीक है, सूप के बारे में बता दूँ? कौन सूप? वेजिटेबल सूप। ठीक है, हाँ जी जी ओके। मैं सूप की रेसिपी बता रही हूँ, आसान है, इजी है, जो घर में आम बनते हैं सब बनाते हैं। आजकल सर्दियाँ हैं तो सीज़न जा रहा है तो सब भी सूप शौक से पीते हैं, तो ईजी भी है। तो बस वो चिकन वगैरह बॉयल करें, यखनी बनाएं और चिकन अलग से निकाल लें और यखनी के अंदर कॉर्नफ्लोर, अंडे बॉयल करके डाल के, तो यखनी के छोटे क्यूब रेशा करके उनके, तो वो भी बाद में डाल के सोया सॉस, वो नमक हर चीज़ डाल के ना, तो बस आप सर्व कर लें। यही है रेसिपी सूप की। तो पांचों बच्चों में से सबसे शौक से खाना कौन बनवाता है और कौन खाता है? मेरे बच्चे ना ज़्यादा, मेरी एक बेटी है वो जॉब करती है, वो मुझसे बनवाती है अक्सर चीज़ें ना, तो बस वो है कि ये सुबह सैंडविच बनवा लिए, वो चिकन आलू के सैंडविच वो चलते हैं, और शामी वो बनवा लिए और बिरयानी, ये चीज़ें ये शौक से खाते हैं। हाँ। पांचों में लाडला कौन है सबसे ज़्यादा? सबसे छोटे वाला बेटा जी सफियान, वो लाडला जी। और सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है? तंग भी वो दोनों छोटे वाले बहन भाई तो तंग करते हैं। चले जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह घर की रौनक होते हैं, बच्चे और उनके पांच बच्चे हैं, और जो बता रही थी कि वो घर में जो है छोटे वाला शरारती है। अच्छा मुझे ये बड़ा मैं कहूँगी इंटरेस्टिंग सवाल है, वो कौन सी चीनी है जो घर में इस्तेमाल होती है? मैंने इतना बड़ा हिंट दिया, वो चीनी दरख्त पे लगती है, वो चीनी आप अपने सालन में डालते हैं, अपनी हांडी में, तो बहुत ज़रूरी होती है वो डालनी, तो आप सोचें कि वो कौन सी चीनी है, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कोकब। कोकब क्या मतलब है? कोकब का बिग एंड ब्राइट स्टार। नाइस, कैसे रखा नाम? मामू ने, अरेबिक वर्ड है। ओके, करती क्या हो? मैं स्टूडेंट हूँ, PhD कर रही हूँ। ओह वाओ, वेरी नाइस। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। वेरी नाइस। क्या करना है PhD के बाद? आई एम डूइंग जॉब राइट नाउ। चलो गुड, माशाल्लाह। चलिए जी, आपसे सवाल करते हैं, ठीक है जी? श्योर। ओके, मुझे बताएं, आसान सा सवाल करते हैं, आप इतनी लाइक हैं, खाना घर का बना लेती हैं, काम करती हैं? नहीं, नॉट मच। कुछ भी नहीं? थोड़ा बहुत। रोटी बना लेती हूँ। मुझे बताओ चिमटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्सेप्स। रोटी होल्डर। क्लिप। आई डोंट नो। क्या शेयर करोगे? मैं गजल सुनाऊंगी। मेरी ज़िंदगी तो फराक है, वो अजल से दिल में मकी सही, वो निगाहें शौक से दूर हैं, लगे जहाँ से लाख करी सही, हमें जान तो देनी है एक दिन, वो किसी तरह वो कहीं सही, हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही, सरे तूर हो सरे हशर हो, हमें इंतज़ार कबूल है, वो कभी मिलें वो कहीं मिलें, वो कभी सही वो कहीं सही। वेरी नाइस, किसकी है ये? आई डोंट नो। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू। यू वेलकम जी। एक बड़ी लाइक लड़की थी हमारे साथ जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। बहुत बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। ओके जी, आपके जो आज के दो सवाल हैं, हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो वो हमारे कान में होती है। और आपको एक कैलोरी बर्न करने के लिए माउस के बटन को कितनी दफ़ा दबाना पड़ेगा? तो आपको 1 करोड़ दफ़ा उसको दबाना पड़ेगा, तो आपकी 1 कैलोरी बर्न होगी। तब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अपना, मेरा, हम सब का फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखना है। और आज का टैलेंट ऑफ द डे कौन था? टैलेंट तो नहीं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कॉन्फिडेंट, वो जो हमारे शो में आए थे, जिनका कद जो था वो थोड़ा छोटा था, क्योंकि ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट।
बेशक उनका कद छोटा था मगर उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने गाना सुनाया, वो नौकरी भी करते हैं जो बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं उनको आज का स्पेशल इंटरव्यू, ख़ास इंटरव्यू कहूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखिएगा। मुझे इजाज़त दें अलीना हारून अपनी होस्ट को, खुदा हाफिज़।